नमस्कार, पोल्स्काय में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए तो कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन अपनी गर्दन पर जमी गंदगी की सफाई करना अक्सर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से गर्दन का रंग काला पड़ने लगता है, जो देखने में बहुत गंदा लगता है। अगर आपकी भी गर्दन का रंग काला पड़ रहा है तो आप भी इन टिप्स को अपना कर अपनी काली गर्दन को साफ बना सकते हैं। कच्चा पपीता काट कर मोटा मोटा पीस लें। आप पपीते के इस गूदे में गुलाब जल और एक चम्मच दही मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इसे गर्दन पर लगाकर कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दें। सप्ताह में एक बार किया गया ये उपाय आपको फायदा देगा। नींबू और शहद को एक साथ अच्छे से मिलाकर इस पैक को गर्दन पर लगाकर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। नहाते समय गर्दन को अच्छी तरह साफ कर लें। ऐसा करने से गर्दन के कालेपन के साथ झुर्रियों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। बेकिंग सोडा, 2 चम्मच बेकिंग सोडा ले लें। इसमें पानी मिलाकर एक सेमी लिक्विड घोल बना लें। इसे गर्दन पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। गर्दन का कालापन कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही दूर हो जाएगा। नींबू में विटामिन सी मौजूद होने की वजह से ये एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। नहाने से पहले नींबू को गले पर हलके हाथों से रगड़ें। सप्ताह में 2 से 3 बार नींबू का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। उम्मीद करते हैं ये टिप्स आपके काम आएंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।